Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Hello. Hi. Come in. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. ये मिस्टर किशन है, ये इलाहाबाद से ट्रांसफर होकर हमारे ऑफिस में आए हैं। अच्छा अच्छा, आप ही मिस्टर किशन हैं? जी, these are my transporters. बैठिए। Thank you, sir. देखिए, आप आज ही अपना चार्ज ले लीजिए। Right, sir. ओह भाई, बनकर बनकर संगीत की इतनी बेइज्जती मत कर। संगीत सम्राट को तुम संगीत सिखाओगे? सम्राट जी, सारे सुर आपस में मिलकर एक दूसरे पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। लाठी चार्ज नहीं, ये राग मालकौंस है, तीन ताल में, और इसे बांसुरी कहते हैं। अच्छा, कभी देखिए, बजाइए। किशन नाम मेरा है। खाली नाम किशन होने से आदमी को बांसुरी बजानी नहीं आ जाती, उसके लिए सुर ताल का भी ज्ञान होना चाहिए। अजी, मुझे मौका दीजिए, शायद मैं। हाँ, बजाओ। ठीक से पकड़नी भी नहीं आती, बजाओगे क्या खाक? अभी सुनिए। वाह, मैं तो हैरान हो गई थी कि भैया के कमरे से इतने सुरीले सुर कैसे सुनाई पड़ रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। जय गुरुजी। अरे ये क्या कर रहा है? गुरुजी, गुरुजी आप मुझे मिल गए हैं, अब मैं संगीत की दुनिया में तहलका मचा दूंगा। अच्छा, हाँ तो ये लो फिर। यहाँ दरअसल मैं ये कहने आया था कि मुझे रहने के लिए छोटी सी जगह मिल गई है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल ही चला जाऊंगा। क्या चला जाऊंगा? यहाँ कोई तकलीफ है आपको? राधा, तुमने कोई तकलीफ दी इन्हें? नहीं तो, शादी ने हमारा खाना पसंद नहीं आया। हाँ, चाय मिली होगी तो ठंडी, ठंडा मिला होगा तो गरम। कैसी बात? या फिर हम लोग इनके बराबरी के नहीं है जो यहाँ से जाना चाहते। अरे नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, उल्टा मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है। अब मैं आप पर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता। तो मत बनिए बोझ, जो किराया आप वहाँ देंगे वही हमें दे दीजिए। हाँ करेक्ट, हमारे बुजुर्ग इतना बड़ा मकान बनाकर गए हैं, बस हम दोनों यहाँ रहते हैं, इतने सारे कमरे खाली पड़े हैं। आप भी यहाँ रह जाइए ना, जब आपकी फैमिली आ जाए तब चले जाइएगा। फैमिली? तब तो लगता है मुझे हमेशा यही रहना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आप भी हमारी तरह ही हैं, आगे पीछे कोई नहीं है। भाई वाह, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। अभी तक जाग रहे हैं? नींद नहीं आ रही थी। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। होता है कभी कभी, नींद नहीं आती। कभी कभी खामोशी बड़ी अजीब लगती है। खामोशी एक जबान है, एक सवाल है।
कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब समझ में नहीं आते। सोचने से हर सवाल का जवाब मिल जाता है, ये तो अपने अपनी हिम्मत पर है। नहीं, ये तो अपनी अपनी किस्मत पर है। कहना चाहता है लेकिन कहता नहीं है। मैं पहले अपने दिल की बात कह दूं, मैं भला क्यों कहूं? कुछ कहना भी चाहूं तो आवाज गले तक ही रह जाती है। कहूं भी तो क्या कहूं, कैसे कहूं? तुम मिली लेकिन बहुत देर से मिली।